किसान ने अपनी मज का पाया भोग देसी घ्यो च तैयार करवाया भोग का लंगर लोगों भोग लई भेजा सद्दा पत्र मज का नाम रख्या सी लाडली तीन पीढ़ियां लाडली ने किया सी मालामाल 28 साल च लाडली ने दिते सन 24 कट्टियां इसे करके किसान नू प्यारी सी लाडली लाडली दी मौत मगरों रीति रिवाज दे नाल कीता गया संस्कार किसान ने अस्थियां दा भी कीता विसर्जन अपनी मज नाल किसान दा ऐसा प्यार देख हैरान ने सारे लोग तस्वीरां चरखी दादरी गुआंढी सूबे हरियाणा तो सामने आ रही ने जिथे किसान परिवार दे तीन पीढ़ियां नू एक मज ने माला माल कर दिता ते हुण उसकी मौत दे मगरों उस किसान ने उसका ऐसा भोग पाया कि लोग देखते दे ही रह गए पूरा लंगर देसी घ्यो च तैयार करवाया गया लाल रंग का टेंट लगवाया गया कुर्सियां मेज सारा कुछ ऐसा प्रबंध किया जिमें विआह होवे आओ किसान तो ही जानते हैं कि उसनू क्यों प्यारी सी उसकी मज लाडली सुखबीर जी गाँव चरखी जी क्या कार्यक्रम किया आज खेती बाड़ी वो काज करया जी मैं क्यों जी मारा घनी खुशी थी जी किस बात की 24 बार ब्याई जी या 24 कटिया दी और उन कटिया ही कटिया दी सारी कटिया दी एक एक बार नाटी नहीं है मारा एक दिन भी आजकल गांव में तो इंसान के काज के लिए भी मनाई की जा रही है कि लगभग ऐसा खर्चा ना हो फिजूल खर्चा मानते हैं उसके बाद भी आप एक जानवर का काज कर रहे हैं फिजूल खर्चा नहीं करया जी हमने जायज खर्चा करया जी हमारी बहन धन इतना दे दिया सारो सब कुछ इस भैंस ने दिया जी इस भैंस की पैदावार से हमारा आगे बढ़िया जी इसके अलावा कोई और आपके पास रोजगार है जमीन जायदाद जी जमीन है जी खेती करा हाँ रिशाल सिंह हमारा पिता का नाम है जी है और खेती बाड़ी करते हैं जी कोई हमारा नौकरी पेशा नहीं है खाली है पैदावार भैंस की तो भैंस से जो कटड़ियाँ पैदा हुई वो भी आप रखते हो या उनको बेच के कोई एक आधी जी बेच दी ना बाकी खड़ी हुआ खड़े नहीं हुआ गाँव में हाजिर है जी किसी ने जो मारा से ले गया उसने भी नहीं बेची है जी देख भावनात्मक आपका जुड़ाव है जी हाँ इससे जुड़ा है हमारा बाप का भी इससे जुड़ा हुआ था और हमारा भी इससे जुड़ा हुआ हमारा बाप ने भी खेती माल बटन दी और अपनी खेती ये डंगराला काम करे भैंस वाला तो कुछ और जो किसान है जो भैंस रखते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे नहीं जी हम किससे कुछ हम तो ये कहना चाहूँ भाई जी सो काम जिसके भैंसी तुम धंधे उसको करो इसका बहुत बढ़िया लगाव थो 24-25 बार यह ब्याह चुकी थी पड्डी पड्डी इस नदी से अरण को काम वैसे चल रही थी खेती बाड़ी करते हो ये जानवर हाँ बस जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब वो भैंस भी भाग्यशाली है जो इनके घर में पैदा हुई है उनको ये इतना वो मिल रहा है और आजकल तो अपने सास ससुर के बूढ़े की नहीं करते कोई और ये एक जानवर को अपने इंसान के रूप में समझ रहे हैं तो पहले भी कभी आपने ऐसा कोई काम देखा मैंने अपनी जिंदगी में भैंस के बारे में ऐसा कहीं नहीं सुना न मैंने देखा है पहली बार देख रही हूँ मैं तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ कि आगे भी कोई ऐसा उठाए कदम जी आपने पहली बार बहुत ही अच्छा काम किया है।